हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द किचन्स वर्ल्ड ऑफ रेसिपीज़। ये दिसंबर का मंथ चल रहा है और क्रिसमस आने वाला है, तो आज की इस रेसिपी में मैं शेयर करने वाली हूँ प्लम केक की रेसिपी, जिसे मैंने बिना एग और बिना अल्कोहल के बनाया है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना क्रिसमस इन्जॉय कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में आधा कप खजूर ले लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच सीडलेस किशमिश, एक बड़ा चम्मच गोल्डन किशमिश, फिर हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच अंजीर, एक बड़ा चम्मच एप्रिकॉट, एक बड़ा चम्मच काजू जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, एक बड़ा चम्मच रफली चॉप किया हुआ बादाम हम इसमें डालेंगे, 1/4 कप मिक्स टूटी फ्रूटी हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश ऑरेंज जूस, लगभग 1 कप मैंने इसमें ऐड किया है। हमें इसको अच्छी तरह से सोक कर देना है लगभग 1 घंटे के लिए। यदि आपके पास टाइम है तो इसे आप 4 से 5 घंटे के लिए सोक कर सकते हैं। अब हम इसे कवर करके एक साइड रख देंगे। जब तक हमारे ड्राई फ्रूट सोक करके हमने रखे हैं, तब तक हम कैरेमल सॉस रेडी करेंगे। इसके लिए हम एक बर्तन में 1/2 कप शुगर डालेंगे और फ्लेम को लो से मीडियम रखेंगे। शुगर को अच्छी तरह से फैला देंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। जब शुगर अच्छी तरह से मेल्ट होने लगे, तब हम इसे चलाते रहेंगे। फ्लेम को हम लो से मीडियम रखेंगे। ये देखिए शुगर मेल्ट होने लगी है। अब इसे हम कलर चेंज होने तक पकाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे। शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है। इसे हम कुछ 1 मिनट के लिए कुक होने देंगे। ये लीजिए शुगर का कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बॉईल किया हुआ पानी डालेंगे। इसमें हमें लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच पानी ऐड करना है। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। आप चाहें तो फ्लेम को लो कर दीजिए या गैस को ऑफ कर दीजिए, ताकि जब हम इसमें पानी डालें तो इसमें किसी भी तरह के लम्स ना पड़े। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। 1 घंटा हो चुका है, हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से सोख हो चुके हैं, ये नरम भी हो गए हैं और इनमें जो ऑरेंज जूस है वो अच्छी तरह से पहुंच चुका है और यहाँ पर हमारा कैरेमल भी रेडी है। अब हम सबसे पहले एक बर्तन को गर्म करेंगे। मैंने यहाँ एक कुकर लिया है, इसमें मैंने 1 कप नमक डाल दिया है। इसे हम अच्छी तरह से फैला देंगे। फिर हम इसमें एक प्लेट या वायर स्टैंड रख देंगे। इसे हम कवर कर देंगे। कुकर के ढक्कन से हमें सीटी और गैस्ट्रिक दोनों निकाल देना है। अब हम एक केक मोल्ड लेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। फिर हम इसमें मैदा डालकर इसे अच्छी तरह से डस्ट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा है इसे हम निकाल देंगे। अब हम एक बड़ा मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल। आप कोई भी टेस्टलेस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक वायर विस्क की हेल्प से इसे अच्छी तरह से विस्क करेंगे। मिल्क एंड ऑयल दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। इसमें हमें 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे विंटर स्पाइसेस, 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच सिनेमन पाउडर, 1/4 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नटमेग पाउडर। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पाउडर्ड शुगर। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुगर अच्छी तरह से डिजोल्व हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर हम इसमें डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं। अब हम इसे भी कट एंड फोल्ड के मेथड से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके कैरेमल सॉस। पहले हम 1/2 कैरेमल सॉस डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम बचा हुआ कैरेमल सॉस इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सूख किए हुए ड्राई नट्स। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, हमारा केक का बैटर बनकर रेडी है। अब हम इसे ग्रीस किए हुए मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़े से टूटी फ्रूटी डालेंगे। केक को गार्निश करने के लिए जो हमें नट्स ऐड करने हैं वो केक के 50% बेक होने के बाद ही हम इसमें डालेंगे। तो अभी हम केक को कुकर में रख देते हैं। इसे बहुत ही केयरफुली हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और 20 मिनट के लिए इसे हम मीडियम से लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। हम केक बनाने के लिए आपके आसपास जो भी ड्राई फ्रूट्स या ड्राई नट्स अवेलेबल हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो मिक्स बेरीज, चेरीज या जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट के बाद हम इस गार्निश करने के लिए काजू और कुछ टूटी फ्रूटी या जो भी नट्स आपके पास हैं उनको डाल सकते हैं। हमारा केक हाफ कुक हुआ है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए और बेक होने देंगे। वापस से हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे बेक होने देंगे। लगभग 50 मिनट हो चुके हैं। टोटल टाइम मेरा 50 मिनट का हो चुका है। अब हम केक में एक नाइफ़ या टूथपिक डालकर चेक करेंगे। नाइफ़ एकदम क्लीन बाहर आई है, इसका मतलब है हमारा केक बनकर रेडी है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। केक ठंडा हो चुका है। इसके चारों तरफ हमें चाकू घुमाएंगे और इसे एक प्लेट या जाली पर निकाल लेंगे। लीजिए, कितना इजीली हमारा केक बाहर आ गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी बना है और देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब हम इसे कट करके देखेंगे। ये देखिए केक कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, आप इसमें इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। इसमें फ्रूट्स, नट्स सभी कुछ बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और क्रिसमस को एंजॉय कीजिए।